करना भी चाहिदा। इहदे कोई चंगा कर्म करके जाना कि दुनिया बाद जाण तो भी सानू याद करदी रहे, जिद्दां कबीर साहिब महाराज जी नूं गुरु नानक पातशाह नूं याद कर रही है। इंसान इत्थे तू चंगा कर्म करने वास्ते आया, आया तू लाल व्यंजने नूं। इत्थे इंसान जद आया धरती दे उपर, उहनूं लाला दा वपार करन वास्ते भेजिया कि तू चंगा कोई कर्म कर जिहड़ा तेरा लोक भी सहेला हो जावे ते परलोक भी सहेला रहे। आया तू लाल व्यंजने नूं, ढेर कोलियां दे कन्नूं ला बैठा, तैनूं हुक्म सी कस्तूरी खरीदने दा, वो ढेर हिंग ते जवैन दे ला बैठा, की देगा जवाब उस शाह ताई जिहदी रकम नूं खेत ला बैठा। जो सवासां दी पूंजी लै के आया इंसान, ये कोई चंगा बीज बीज के जावे, चंगा कर्म करे, इहदा लोक भी सहेला हो जाए ते परलोक भी सहेला हो जाए। गुरु अंगद देव जी दे लड़के सपुत्र दादू साहब, जिन्हां कहा दादू, इत्थे दावा नहीं किसी चीज़ का, दादू साहब फरमाउंदे ने दादू दावा दूर कर, इत्थे दावा नहीं किसी का कि इत्थे किसी ने अज आ वा ते कल नूं आ, पता नहीं किहड़े वेले बुलावा आ जाणा। दादू दावा दूर कर, बिन दावे दिन कट, केते हो मुड़ गए इस संसारी दे हट, किसे ने पूरा तोलिया जो तोले सो घट, गुरु नानक पूरा तोल गए गए जहानो खट। ये इंसान जे तू इत्थे मनुष्य जामा मिलिया, इंसान जामा मिलिया, कोई इहो जिहा कर्म कर जा कि तेनूं आउण वालियां पीढ़ियां तक याद रखण। जे तू माड़ा कर्म करके चल गए हो तो फिर तो उही गल होनी आ, थले पराली उत्ते सले, जैसे आए वैसे ही चले। इंसान तेनूं 84 लाख जून दे बाद इंसानी जामा मिलिया, जे तू इत्थे आया तो कोई चंगा कर्म कर जा। चंगा कर्म किस तरह करना, गुरु दे दरबार दे विच जा के संगतां दी सेवा गुरचरणां नाल लग के होना वा। ये नहीं चंगा कर्म इस तरह नहीं होना कि आप बेईमानी कोई नशे का सौदागर बन जाइए, कोई माड़े कर्मां ते सलाह दईए। इहो जिहा इंसान नूं कर्म करना कोई चंगा अखवाउण वास्ते संतां दी सरण जाणा पैंदा। ब्रह्म ज्ञान बिना गुरमुक्त ना पावे, कित्थों मिलनी है सेध गुरुआं दे कोलों, गुरघर दे विचों कृपा आउणी आ। ब्रह्म ज्ञान गुरु बिन मुक्त ना पावे, मुक्त ना पावे होर ते पुछो विवेकियां जाए। सच बोल बंदे ते सच तोल बंदे, इहो खास दिलां दी वटड़ी है, तेरे पाप ते पुन उत्थे तुल जाने, धर्मराज दे हथ विच तकड़ी है। दया सिंगा वेद नूं खबर कोई ना जिथे मंजिल फकीर दी अपड़ी। संतां दे पासों सेध लै के, संतां कोलों लै के गुरु साहिब दे कोल जा के, उत्थों संतां दे कोलों ये फल प्राप्त हुंदा है चंगे कर्म वाला। नहीं तो माड़ा कर्म तो सारी दुनिया दसदी है, भाई तू आह काम कर तेनों अज आह फायदा होगा, भाई तू नहीं आह छड के आह कर लै तेनों इतों भी ज़्यादा फायदा होगा। इस करके ये पंजां दरियावां की धरती जो है, पर की होया इत्थे छेवां हड़ नशे के दरिया का वग रहा है। अज इन्ना नशा तो इन्नी इतने भ्रिष्टाचार हो चुका है कि सानू कट्ठे होने की लोड़ है। जदों असीं एकत्र करके सारे कट्ठे हो के मन बना के इरादा कर लिया कि असीं इस संसार नूं समझाउणा है तो इहदे उत्ते पहरा देना है, जरूरी नहीं आ कि इत्थों सतसंग दे विचों सुण के गल ते बाहर जाके छड़ देनी। इहनूं हिरदे च वसावांगे तो फिर आपां कट्ठे, ये एक बंदे की जिम्मेवारी ही नहीं आ, ये सब की जिम्मेवारी है कि आप सारे ही इस गल उत्ते पहरा दईए। जे आप किसी को मदद थोड़ी तो थोड़ी भी करिए, जे किसी का कोई सवारना है तो फिर कुछ अपने पल भी कढ के ये संसार समाज की सेवा में लावांगे तो फिर उपराला होना, नहीं तो साढ़े पंजा दसा सौ पंजा के कित्या नहीं कुछ भी होना, ये सब ही करे आपको अपने थान पर फिर होना है। इस करके ये इंसान तू इत्थे आया वा तो कोई चंगा बीज बीज लै, तो कहते फिर ना तेनों नहीं तो फिर इस जूना के भड़कना पैवे, क्योंकि मनुखी जामा वार नहीं मिलता। बाबा जी फरमाते हैं अगे दस के गए भी वार वार नहीं मिलना, जो एक फल टाणी ना टुट गया मुड़ के तो लगना ही नहीं। तो इस करके बंदा जो इतने आया तो इन्हें फिर जाना भी आ, तो जाने तो पहला योजा कर्म कर लगे अपना रस्ता साफ करके जाए, तो जे ना गया तो फिर यदा अपना ही बुरा हाल हो जाना। जिस तरह क्योंकि साढ़े समाज का हो रहा है नशियां दे विच वधिया दुनिया, अज जिहड़ा भी आ कोई इहो पैसे दे चक्कर विच अपनी माण वडियाई दे चक्कर विच सारिआं नूं गुमराह कर रहा, कोई थोड़ा जिहा टाइम कढ के आपां इस संसार वास्ते भी मनुखी जामे वास्ते भी समाज नूं भी टाइम दईए। साध संगत जी इहो ही बेनतियां प्रवान कर रहा हां मैं
अपनी बाणी नूं विराम दिंदा। गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। प्रेमी भक्तों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन यार धो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने के फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। जिन पे श्याम का रंग चढ़ा हो, वो दुनिया से डरते नहीं हैं। एक बार जो पी लेता है, जिंदगी भर उतरती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। जिनके हृदय में है श्याम प्यारे, वो तो होते हैं जग से निराले। जिनके नजरों में श्याम समाया, उनकी नजरें तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है। परमादरणीय मंचस्थ सभी पूजनीय संत चरण, सामाजिक समरसता यात्रा के अधिकारी पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता वृंद, आप हम गुरु प्यारी सत्संग, जब हमारे जीवन में हमें कोई कहता है थोड़ा साधन भजन कर लो भैया, तो हमें क्या लगता है? अभी कोई उम्र है साधना करने की? लगता है कि नहीं लगता? अभी हमारी कोई उम्र है? अभी तो शादी हुई है। हाँ, तो मीरा को कब लगा साधना करना चाहिए? मीरा को कब लगा कि गुरु चाहिए? बूढ़ी होने के बाद? नहीं ना, मकान बनने के बाद साधना करेंगे, दुकान चलेगी फिर साधना करेंगे, शादी हो जाएगी फिर साधना करेंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर साधना करेंगे, बच्चे जब सेट हो जाएंगे तब साधना करेंगे। बच्चे सेट हो गए, पोता का मुंह देख लो, पोता थोड़ा बड़ा हो जाए, गोबर में अकेली है, उसे संभाला नहीं जाता है, उसको थोड़ा सासू माँ संभालेगी, दादाजी संभालेंगे। अब बाद में बोलता है पोता बिना दादा के सोता नहीं। खिलाते रहो, बच्चे को खिलाया उसके बाद पोते को भी खिलाते रहो, तब तक घंटी बज जाएगी, ना रहेगी पांच ना बजेगी बंसरी। बाल हतावत क्रीड़ा शक्त, तरुण हतावत तरुणी, रक्त वृद्ध स्तावत चिंता ग्रस्त, परे ब्रह्मणी कोपि न रक्त, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते।
संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षते तो क्रिया करने। भगवान शंकराचार्य कहते हैं बचपन कैसे बीता, खेलने में, जवानी कैसी बीती, भोग में, आनंद में, कब जवानी कहीं पता भी नहीं चला, अभी तो शादी हुई थी, ये हमारे बच्चे बड़े से हो गए हैं, इतने साल निकल गए। माँ बाप आपस में बात करते हैं कि अभी हमारे बच्चे बड़े हो गए, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब माँ बाप को लगता है शायद हम बूढ़े हो गए, हम ना बूढ़े होते तो ये कैसे बड़े हो गए, तो मानते नहीं, सफेद होते ही काला करा देते हैं, दांत टूटते ही दांत लगा देते हैं। अभी सफेद होने के बाद जो काला कराता है, मेरे ख्याल से वो कुछ काला वाला काम जो करता था उसी को दोहराना चाहता है, तभी तो काला कराता है, और किस लिए काला कराता है, जरूरत क्या है, सच्चाई है। हम सोचते हैं नौकरी से रिटायर्ड हो जाएंगे तो भजन करेंगे, मीरा ने ऐसा सोचा था क्या? सबसे पहले जिंदगी किस लिए मिली है? कब भूग करी करुणा नर देही, देत ईश विन हे तो स्नेही, आकर चार लक्ष चौरासी, योनि भ्रमत यह जीव विनाशी। हाँ, बाहर बाहर जाना है तो बाहर चले जाओ, अंदर आना है तो अंदर आ जाओ, हाँ जहां जाना है जाओ, बीच में डिस्टर्ब मत करो। क्या बात चल रही थी? नौकरी जब खत्म हो जाएगी तब हम साधना करेंगे। आपको पता है सरकार नौकरी खत्म होने के बाद पेंशन क्यों देती है, कोई बता सकता है? जब नौकरी किसी की खत्म हो जाती है सरकार आपको पेंशन देती है, क्यों? इसलिए, किसी को नहीं पता, आपको घर बैठ करके वो पैसा क्यों भेज रही है, कोई कारण होगा ना। पहले तो आप दफ्तर में काम करते थे तब वो आपको पैसा देते थे, अब घर बैठा करके पैसा दे रहे हैं, बोलते हैं भाई साहब आपकी उम्र 60 के आसपास हो गई है, आंख से दिखता नहीं, कान से सुनता नहीं, पैर से सीधे सीधे चला नहीं जाता, पता नहीं चलता है टाइम पाए कभी बात किधर गिर जाए, और ऐसे में अगर आप कहीं पर साइन कर देंगे तो 2 लाख का चेक पास कर देंगे, दिखता नहीं तो गलत हो जाएगा, भाई साहब आपसे सरकार का काम नहीं होगा, आप कृपा करके घर बैठिए, आपसे दुनिया का काम कुछ नहीं होने वाला है, आपको जो खर्चा करने हम वही दे देंगे, आपको काम करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपसे अब काम होगा नहीं। अब जिसको सरकार निकाल देती है, दुनिया निकाल देती है, आप तेरे से काम नहीं होगा, वो भजन करेगा, उससे भजन होगा तब, बोलिए। जब सरकार ने आपको निकाल दिया हमारे काम के नहीं हो तो भगवान के काम के रह जाओगे क्या? भगवान के मंदिर में कौन सा फल चढ़ता है, पिलपिला गला हुआ केला चढ़ता है कि बढ़िया सा केला चढ़ता है? जवानी में दुनिया का काम हो सकता है, जवानी में ही भजन हो सकता है, जवानी में ही ध्यान हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, जब चला नहीं जाओगे तो चौकड़ी मार के बैठ के ध्यान क्या करोगे, नहीं होगा। मीरा को पता था अपनी पूरी जवानी में गुरु के शरण में जाकर के रविदास महाराज के पास उनकी साधना में लग गई और अपने जीवन को सफल कर दिया। हम अपने जीवन में दुनिया को इकट्ठा करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, बाद में क्या होता है, दुनिया हमारी बनती है क्या? जिसको हमने हमारे साथ जोड़ा था वो हमारा बन के रहता है क्या? कब तक रहेगा? आपने एक चौक देखा होगा, शहर के अंदर एक चौक होता है जहां पर गाड़ी पीछे से आती है आगे निकल जाती है, कोई दाएं कोई बाएं घूम जाती है, अगर आगे वाली गाड़ी नहीं जाएगी तो क्या होगा, दिक्कत? ड्राइवर को अच्छे से पता होता है, आगे वाली गाड़ी जाएगी तो पीछे वाली आगे पीछे ठुकेगी ना। तो जैसे ही आपकी उम्र 40-50 हो जाता है, जवानी में तो आपने भजन किया नहीं, पर जैसे ही आपकी उम्र 40-50 होगी, 50 के बाद 60 तक जाते जाते अपने घर की चाबी, दुकान की चाबी, सासू मां तिजोरी की चाबी सब सौंप दो, पिछली गाड़ी आ गई है, बच्चे की शादी हो गई है, बच्चे संभालने लायक हो गए हैं, अपने आप सौंप दोगे तो ठीक है, नहीं तो पीछे की गाड़ी आके पीछे ठुक जाएगी, फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर
फिर तो होगा ही नहीं, आप चाबी छोड़ोगे नहीं, वो बिना चाबी दिए मानेंगे नहीं। इससे पहले कि वो चाबी छीने अपना चाबी पकड़ा दो तो चौक साफ रहता है, आगे गाड़ी आगे निकल जाएगी, पीछे की गाड़ी पीछे आ जाएगी, दोनों चौक पे रहोगे तो गाड़ी कट कर जाएगी। आगे आप समझदार हो, भगवान के पास भजन करो और घर में दो रोटी खाओ, जितना पैसा आपको चाहिए उतना अपने अकाउंट में रख लो, बाकी सौंप दो। मरने से पहले अपने बच्चों को अपना काम काज संभालते हुए देख लो, नुकसान होगा तो उनका, फायदा होगा तो उनका, आपका क्या जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी भगवानंद जी ने। मैं पांच नाम लवांगा उस स्टेज के लागे आ जाऊंगा जेडे सांझी वातना यात्रा दे। सतनाम श्री वाहे गुरु। नमस्कार गुरु प्यारे सत्संग जीओ, प्यार में जाओ नच के पति वाहे गुरु जी का प्रसाद वाहे गुरु जी की फतेह। साडा मुख कारण है साझी वार्ता का, जो साझी वार्ता का संदेश अही नहीं दे रहे, यह केवल के केवल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज साझी वार्ता का संदेश देते ने। सत बचन ध्यान दे के सत्संग जी, सत बचन साधु उपदेश, सत बचन साधु उपदेश, सत्ते जन जाके हृदय प्रवेश। आप सारे रागी सिंघां दे कोलों सत्तां महापुरखां कोल कथा सुनते हैं, जन्म तुम्हारे देखे एक पंक्ति बोल दो सारा संतान रल के, हे लेखे बिच लालो जी जन्म तुम्हारे लेखे, हे लेखे बिच लालो जी जन्म तुम्हारे लेखे, बोलो सारे लिखे बच लालो जी जन्म तुम्हारे लिखे, लिखे बच लालो जी जन्म तुम्हारे लिखे, बच लालो जी जन्म तुम्हारे लिखे, लिखे बच लालो जी जन्म तुम्हारे लिखे। प्यारे हो टाइम बड़ा थोड़ा वा, इन चीजों वास्ते दो दो दिन तक घंटे टाइम चाहिए वा, फिर पता लगता लिखा कितना जीवन लगता। आप गाते हाँ आप सुनते हाँ, याद रखो जेडे साझी वार्ता के दो मुख कारण है ना, धन धन सतगुरु रविदास महाराज जिन्होंने रब बारी फरियाद की मेरा जीवन लेखे चला लो, उ फरियाद मां वीर ने माई वीर ने की गुरु रविदास जी के चरणों में, मेरा अपने चरणों चला लो। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। अज अ लेखे बच्चे नहीं ला रहे, सिर्फ अच्छ ही रौला मार रहे हैं, सत बचन साधु उपदेश, सत्ते जन जाके हृदय प्रवेश। महापुरुखों के हृदय साधु ने प्रवेश किया, जो पिछले साल तो यात्रा आरंभ हुई, यात्रा का कारण की मूल की है, जो बाबा जी ने फैसले किए पहला कि साढ़े बिच एक द्वार पैदा हो चुकी है जातों की पातों की धर्मां की, इनू आप खंडन करने वास्ते सतगुरु रविदास महाराज जी का हुक्म मन के चले हैं भी लेखे बिच ला लो जी। उन्हों का जन्म पता जन भी एक गुरु रविदास पंद्रह भगत गुरु ग्रंथ साहब आरती झूरी बैठे जिन्होंने आप सारे मत्था टेकते हैं, तो एक गुरु रविदास जिन्होंने गुरु पद लगता जिन्होंने
संसार के लोग सतगुरु रविदास जी कह के भी पुकारते हैं, तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी 15 भगतों में चुनो भगतों की बाणी जिथे चलती ना वक् वक् भगतों की ना लिखे बाणी लिखी भागों वाले जिन्हों का लेखे में जीवन लग चुका आप उन्हों की गल कर रहे हैं उन्हों का तुम संदेश दे रहे हैं कि साध संगत जी ये जातों पातों को उपर जाके अपने जीवन का स्वार्थ की है परमेश्वर का हुक्म मन के परमेश्वर के रस्ते से चलना परमेश्वर की बनाई हुई दुनिया को जिन तेरी मन बैठ बनाई ऊठत बैठ सदा दस्याई आप हरी परमात्मा तो टुटते जा रहे हैं आप संसार के खोते जा रहे हैं इन चीज़ों का त्याग करके आप आने वाली जी पनेरी आने वाले बच्चे आ इन्हों का भविख बदल दौ साड़ी यात्रा तद सफल आ सफल 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 पई यात्रा गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी फैसला करते सफल 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 पई यात्रा ये नहीं भी कारा बुझा के कह लैजिए कारा बुझा के कह लैजिए नहीं जीवन की यात्रा अपने घर में जोग ना पक्षी कपड़े जोग ना मैले वेश नानक कर बैठा जोग पाइए सतगुरु के देश समा यात्री दे रहा आने वाले समय चंगले साहब तो सतगुरु कृपा कर ताडे नाल वध विचारां कीतियां जाण ताडे ते सतगुरु मेहर प्रयास रखन साडे ते रखन बाबा जी की चढ़ती कला कर सतगुरु गुरु रविदास महाराज इस तरह ये टीम जिहड़ी आ संतां महापुरखां दे नाल लैके ताडे सहयोग दे नाल ये यात्रा जिहड़ी आरंभ होई ते यात्रा चलती रहे पिंड पिंड विच जाके साडे कोल ये सबूत ने अं बड़े बड़े संस्थानों से जा रहे नहीं अं उ जा रहे हैं जिथे संगत बुला रही ने साध संगत भागों वाले लोग जिन्हें संगत ने नक भत्त हो के सतगुरु पातशाह दी खुशियां प्राप्त करियां जी आओ प्यार सारिया संगत हाजिर जवाब देखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
जय